तो ये नियम लागू होता है। अब साहचर्यता का नियम है बच्चों, वो सेम टू सेम क्रम विनय विनयता नियम के साथ साथ ही चलता है, अर्थात वो नियम अपने प्लस तथा मल्टीप्लिकेशन अर्थात जोड़ तथा गुणा में लग रहा था, ये नियम भी सिर्फ और सिर्फ जोड़ तथा गुणा में लगता है। अब अपन आएंगे अपनी प्रश्नावलियों पर कि अपनी प्रश्नावलियां क्या हैं। अभी मैं आपको क्या बताने वाला था, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हम बचपन में वो काम किया करते थे, लेकिन आज तक हमको ये पता नहीं था कि हम ये चीज़ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं एक सवाल लेता हूँ आपकी बुक से ही। आपकी बुक से एक सवाल लेता हूँ 8 पॉइंट। उससे पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, देखिए एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1, और वो कुछ इस प्रकार है। सवाल आपको कह रहा है ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए क्या करना है ज्ञात आपको 3/7 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। अब बच्चों ये सारी संख्याएं आपको शायद याद हो, मैंने अभी जस्ट लिखवाया है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है आपके पास। इनको हमको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल। तो अपने पास ये बट्टे वाली संख्या है, और बट्टे वाली संख्याओं को हल करने का अपने पास एक तरीका पहले से है, और वो है सबका क्या लेंगे, लसप LCM लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो अपन सबसे इसके अंदर सबसे पहली विधि अपन यूज करते हैं, और वो हो जाएगा सबका लसप लेंगे अपन। किसका किसका लेना है अपने पास, 7 का, 11 का, 21 का और 22 का। जब आप इसका लसप लोगे तब इसका लसप आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, जो होगा आपके पास 462। तो अब इस 462 को मैं यहां पे लिख लेता हूं, और वही नियम जो मैंने आपको बता रखा, और आपने शायद पढ़ रखा होगा, सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तब कुछ ये हो जाएगा 198। अब बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तब ये हो जाएगा अपने पास 252। वापिस प्लस माइनस माइनस, फिर वापिस आगे करूंगा तब हो जाएगा 176। फिर प्लस है और इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा बच्चों, 105। अब हमने पढ़ रखा है क्या, हमने क्या पढ़ रखा है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो जब इनको मैं जोड़ बाकी करूंगा इनकी, तब अपने पास कुछ उत्तर में आ जाएगा -125/462। तब इसको सॉल्व करने पे अपने पास ये उत्तर आता है। अब बच्चों ये तो एक सार्वत्रिक नियम हो गया, या सार्वत्रिक विधि हो गई, कि भाई सबका लसप लेना है और फिर उनको सॉल्व करना है लसप वाली जोड़ बाकी के साथ। लेकिन अभी जो हमने नियम पढ़े, साहचर्यता का नियम, क्रम भिन्नता का नियम, है ना, तो इस नियम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका नियम कुछ इस प्रकार रहेगा। देखो दूसरी विधि कुछ ऐसी रहेगी आपके पास, ये पहली विधि है, इसको मैं इस क्वेश्चन को नहीं हटाता हूं, क्वेश्चन ऐसा कैसा रखते हैं अपने पास, मैं इसको हटाता हूं।
तो अब मैं दूसरी विधि से इसको जब करने जाऊंगा तब कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये सवाल अपने पास ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन इसको मैं अब ऐसे लिख दूंगा, बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा और फिर आगे करूंगा मैं 3 अपॉन 7 प्लस माइनस का 8 अपॉन 21, ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस का 6 अपॉन 11 और ये प्लस का 5 अपॉन 22। बच्चों अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर आपने इसको और इसको साथ में लिया, इसको और इसको साथ में लिया, ऐसा क्यों है ना? तो आप इनके हर के ऊपर अगर नजर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 और 21 में कुछ कॉमन है क्या, कि ये दोनों 7 की टेबल में 21 आता है और यहाँ पे 11 की टेबल में क्या आता है 22। तो उसी प्रकार अब इनका मुझे लसप लेना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, बजाय इन सब के, इन सब का जब साथ में मैं लसप ले रहा था तब मुझे बहुत लंबा चौड़ा पूरा प्रोसेस करना पड़ रहा था, लेकिन अब इन दो दो को मैं सॉल्व करके आसानी से इसको मैं हल कर सकता हूं। तो अब ये नियम अपने पास कुछ यहां पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, क्रम विनयता व साहचर्यता के नियम से, के गुणधर अर्थात इसके अंदर मैंने क्रम विनयता तथा साहचर्यता का नियम या गुणधर्म का उपयोग किया है। क्या किया है, कैसे किया है, मैंने अब अपने पढ़ रखा है। क्रम विनयता क्या कहता है कि अगर प्लस माइनस है कुछ भी है, आप इसको प्लस वाले साथ, सारे प्लस में है ना, तो प्लस में अपन ने क्या पढ़ रखा है, अगर कोई भी चीज अपने पास ये है ए प्लस बी, तो अगर अपन इसको चेंज कर देते हैं बी प्लस ए लिखते हैं तब भी अपने पास आंसर क्या आता है सेम। तो उसी टाइप से मैंने सारे प्लस में थे तो प्लस को मैंने इधर उधर में करूंगा तो अपने पास आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो इसी रूल को मैं साथ में लेके हुए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के लिए अब क्या करूंगा, अब देखो बच्चों 7 और 21 का लसक होता है 21, इसका जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तब ये हो जाएगा 9 और ये प्लस, माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा प्लस, 11 और 22 का लसक हो जाएगा 22, और जब इसको सॉल्व करूंगा तब ये हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस का 5। जब इसको सॉल्व करता हूं तब 1 बट्टा क्या आ जाएगा अपने पास 21, 1 बट्टा क्या आ जाएगा 21 और प्लस में आ जाएगा, जब इसको मैं घटाऊंगा तब हो जाएगा अपने पास माइनस 12 में से 5 का कितना बचा, अपने पास बच गया 2 7, तो माइनस के 7 बट्टा 22। अब ये माइनस प्लस वापस क्या हो जाएगा माइनस, तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तब अब कुछ ऐसा हो जाएगा अपने पास 1 बट्टा 21 माइनस 7 बट्टा 22। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, मैं यहां पे कर देता हूं, हाँ यहां पे कर देता हूं आपके लिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं यहां पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। अब उस बड़े लसब से अच्छा क्या था अपने पास 21 और 22 का क्या निकालना, लसप निकालना, जो अपने पास आएगा 462। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा 22 माइनस 147 और इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास -125/462। ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चों कुछ देखा आपने, इस क्रम विनयता और साहचर्यता का उपयोग करने से अपने पास ये जो कैलकुलेशन थी, जो जितना अपने भी अपने विधि पूरी अपनाई, ये थोड़ा सा सिंपल हो गई, सरल हो गई अपने लिए। तो इसीलिए ये नियम अपने यूज में आते हैं, और ये नियम हम यूज कब करते हैं, जब अपने पास ये देख लो सारी संख्याएं किसमें है, प्लस में है, ध्यान रखना क्रम विनयता किसमें यूज में होता है, हमेशा प्लस और मल्टीप्लीकेशन में, मतलब जोड़ और गुणा में, ये ध्यान रखना आप।
इस एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, आशा करता हूं। हाँ, तो अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका, नई हेडिंग हो जाएगी अपने पास, शून्य अर्थात जीरो की भूमिका, और वो क्या रहेगी? शून्य की भूमिका। तो शून्य की भूमिका बच्चों, जीरो एक ऐसा अंक है जो बहुत कुछ कर देता है जब ये जुड़ जाता है किसी के साथ। तो अब ये आपको इस संख्या में क्या बताएगा कि अगर जीरो को किसी के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, उसका गुणा किया जाए, उसका भाग किया जाए, तो उस संख्या में क्या फर्क पड़ेगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आई थिंक पता होंगे क्योंकि आप 8th क्लास में आए हो, फिर भी मैं अपने हिसाब से बता देता हूं। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो आपको क्या कहता है, यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या रहती है। कैसे? मैंने बोला 2+0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना, ऐसे लिख सकता हूं, शून्य को पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में जोड़ना। बेटा जोड़ने से अपने पास आंसर क्या आएगा, वही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर जीरो का प्लस करने पर आंसर वही आता है। उसी प्रकार अपने पास बी पॉइंट क्या हो जाएगा, 2-0 अर्थात 2। वही बात, शून्य को पूर्ण संख्या में से घटाना। तो बच्चों जब जीरो घटाया जाता है तब भी अपने पास उत्तर में वही संख्या रहती है। अब आता हूं नई चीज पे, अब मैं आता हूं, देखो अब तो ये तो अपन ने पूर्ण संख्या में जोड़ा, जब परिमेय संख्या की बात आएगी तब क्या होगा? तो परिमेय संख्या के अंदर भी अपन कुछ करके देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूं, सी परिमेय संख्या ले ली मैंने, -2/7, और इसके अंदर मैंने मान लो जोड़ दिया जीरो, तो बच्चों इसका आंसर भी क्या रहेगा, -2/7 अर्थात वही लिखूंगा मैं वापस यहां पे, शून्य को पूर्ण, सॉरी माफ कीजिएगा, परिमेय संख्या में जोड़ना। आंसर बच्चों वही रहता है, ध्यान रखना। तो अर्थात जीरो से अपन को क्या सीखने को मिला, जीरो का किसी भी संख्या के साथ प्लस या माइनस करने पे अपने पास आंसर हमेशा वही रहता है। समझ में आई? हाँ, समझ में आई बच्चों? तो अब अगला कुछ अपने पास, तो ये इसके कुछ नियम कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, अब अपन आएंगे संख्या एक की भूमिका पे। किस पे आएंगे? संख्या एक की भूमिका पे। जीरो की हो गई, अब एक की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये जीरो और एक दो ऐसी संख्याएं हैं जिससे बहुत कुछ बदल जाता है। जीरो के बारे में अपन अपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे संख्या एक की भूमिका, संख्या एक की भूमिका। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, इसका पहला नियम बच्चों ऐसा है कि एक जोड़ने पे तो आंसर चेंज आने ही आना है, लेकिन इसका एक जो नॉर्मल नियम है वो ये है कि मैंने ले लिया मान लो 5 × 1, जब इनका गुणा करूंगा तब उत्तर में क्या आएगा, सेम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में
एक का गुणा करना। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको कि किसी भी संख्या में जब आप एक का गुणा करते हो तब उत्तर में वही संख्या आती है, अर्थात एक का गुणा करने पर अपने पास उत्तर में वही संख्या दोबारा आएगी। बच्चों एक की भूमिका के अंदर सिर्फ इतना ही है, आप परिमेय संख्या लो, पूर्ण संख्या लो, पूर्णांक संख्या लो, प्राकृत संख्या लो, कोई भी संख्या लो, और जब आप उसके साथ एक का गुणा करोगे तब आपके पास उत्तर में वही संख्या आएगी।